नन्हे बच्चों से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नियमों को ताक पर रख लगवाते हैं झाड़ू। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां से एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जो कि बेहतर शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान को आईना दिखा रहा है। चौकिएगा नहीं, ये प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है। योगी सरकार कितना भी प्राथमिक विद्यालय को बेहतर बनाने हेतु मातहतों को निर्देशित करे, किंतु बेहतर शिक्षा का दावा उस समय खोखला साबित होता है जब कोई और नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षक बच्चों से सुबह स्कूल जाने के बाद कलम पकड़वा की बजाय झाड़ू पकड़वा देते हैं। हम बात कर रहे हैं सलोन ब्लॉक के खमरिया पूरे कुशल के प्राथमिक विद्यालय की, जहां हद तो उस समय पार हो जाती है जब सुबह 9 बजे प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देखा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय के काफी बच्चे अपने पीठ पर बैग टांगकर काफी संख्या में बच्चे सामूहिक रूप से प्राथमिक विद्यालय परिसर खमरिया पूरे कुशल में झाड़ू मार रहे हैं, जिसके कवरेज के दौरान शिक्षकों में हड़कंप मच गया। और यहाँ पर अब यह सवाल उठता है कि जिस स्कूल के बच्चे विद्यालय परिसर में अपने नन्हे हाथों से झाड़ू लगाएंगे, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों से झाड़ू लगवाने का कौन जिम्मेदार है? गुरुजी जिसके आदेश पर बच्चों से लगवाते झाड़ू। और वहीं जब इस बात खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रजापति से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से विद्यालय परिसर में झाड़ू लगवाना पूर्णतया गलत है। इस मामले में प्राथमिक विद्यालय खमरिया पूरे कुशल के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट।